हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटो ट्रैवल। राइट नाउ आई एम बैक अगेन हियर विद अ डिफरेंट वीडियो व्हिच इज अगेन रिलेटेड टू द आरएक्स सीरीज मोटरसाइकिल्स। और ये काफ़ी डिमांडेड वीडियो है, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो की डिमांड की थी कि रीड वाल्व के ऊपर वीडियो बनाओ। रीड वाल्व के ऊपर तो ऊपर हो चाहे नीचे, रीड वाल्व तो भैया बीच में होता है इंजन और कार्बोरेटर के। तो आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि रीड वाल्व कैसे काम करता है, रीड वाल्व का काम क्या होता है, रीड वाल्व कब ख़राब हो जाता है और किन केसेस में हमको रीड वाल्व को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ रीड वाल्व्स रखे हुए हैं, तो कुछ रीड वाल्व्स को हम लोग नहीं देखेंगे, उसको भी साइड रखेंगे और जो समझेंगे वो ये है कि रीड वाल्व काम कैसे करता है। तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि रीड वाल्व का काम क्या होता है। तो रीड वाल्व बेसिकली एक तरह का चेक वाल्व होता है, जिस तरह से डैम में, जिस तरह से पंप्स में कई तरह का चेक वाल्व होता है ना, तो जिसमें हम लोग एक ही साइड से फ्लो ऑफ फ्यूल या फ्लो ऑफ एयर या फ्यूल या फिर पानी का फ्लो जाता है और वो दूसरी साइड से उसको वापस आने से रोकता है, तो वही काम करता है ये रीड वाल्व। तो हमारा ये रीड वाल्व जो मैनिफोल्ड के थ्रू कार्बोरेटर और इंजन के जो कंबशन चैम्बर होता है इसके बीच में रहता है। इसका काम ये होता है कि जो हमारा कार्बोरेटर में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार हो रहा है, जो बन रहा है, उस मिक्सचर को इस रीड वाल्व के थ्रू इंजन के अंदर फीड करना, यही है बस रीड वाल्व का काम। और फीड करने के बाद इसका काम ये होता है कि ये वापस जो अंदर में कंबशन चैम्बर में जो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से कोई भी फ्यूल या कोई भी गैस अगर वापस आना चाह रहा हो तो उसको नहीं आने देना, ये रीड वाल्व का काम होता है। तो बेसिकली ये वन साइडेड काम करता है, एक साइड से ही सिर्फ उसमें इनपुट होती है, वो इस साइड से ये पेटल्स खुलता है यहाँ से और यहाँ से इनपुट होता है और वापस से ये पेटल्स बंद हो जाता है और इधर से गैसेस का या फिर किसी भी तरह का एयर फ्यूल मिक्सचर का वापस आने का कोई स्कोप नहीं होता है। तो ये बस हमारा काम है रीड वाल्व का। सो बेसिकली इट स्टॉप्स द यू नो रिवर्स फ्लो ऑफ फ्यूल मिक्सचर और गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर टुवर्ड्स द कार्बोरेटर। तो ये इसका काम होता है, ओनली वन साइड के लिए अलाउ करता है ये। तो ये है हमारा रीड वाल्व का काम। एंड नाउ हाउ इट वर्क्स इज मोर इम्पॉर्टेंट टू नो कि वेन एवर देर इज द सक्शन स्ट्रोक एंड द कम्बशन स्ट्रोक इज देयर इन टू स्ट्रोक, दैट ऑल हैपन्स इन अ सिंगल टाइम। टू स्ट्रोक में दो कंप्लीट साइकिल एक ही साथ होता है, एक स्ट्रोक में होता है, तो उस वक्त रीड वाल्व खुलता है और ये सारा मिक्सचर अंदर चला आता है और उसका फिर ये बंद रहता है, वापस नहीं आने देता। तो यही इस तरह से काम करता है, ये पेटल्स है, ये खुलता बंद होता है और ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं स्टॉपर। ये स्टॉपर होता है जो हमारे सिलेंडर के मैनिफोल्ड, सॉरी सिलेंडर के बॉडी में लग जाता है और रीड वाल्व को फर्मली होल्ड करके रखता है। तो ये सारे कुछ पार्ट्स रीड वाल्व के, ये पेटल्स हैं और ये स्टॉपर। अब देखेंगे ख़राबी कहाँ कहाँ आती है। ख़राबी हमारी गाड़ी में रीड वाल्व में आती है, साथ ही साथ रीड वाल्व का जो इनटेक, ये जो मैनिफोल्ड होता है, इसमें आता है। तो कई बार हम लोग रीड वाल्व के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी होता है कहीं हमारा मैनिफोल्ड तो नहीं ख़राब है। मैनिफोल्ड में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइन ये क्रैक्स बने हुए हैं, दीज क्रैक्स आर नॉट गुड। कई एक बार हमारा ये जो होस पाइप वाला 135 का होता है, यहाँ पे भी क्रैक आ जाता है, तो जिसके वजह से हमारा क्या होता है ना कि इनटेक मैनिफोल्ड में ही क्रैक्स होता है, जिसकी वजह से हमारा कॉम्प्रेशन लीकेज होता है और आइडलिंग सही से नहीं हो पाती है, ट्यूनिंग सही से नहीं मिल पाती है। तो ये ध्यान रखिए कि पहले हमें चेक करना होता है कि कहीं मैनिफोल्ड तो नहीं खराब, अगर मैनिफोल्ड ख़राब है या क्रैक्स है उसमें, तो उसको रिप्लेस कर लें। ऑलराइट, अब आते हैं हम रीड वाल्व के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीड वाल्व के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका पेटल्स और एक होता है स्टॉपर। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि स्टॉपर का काम होता है कि सिलेंडर में ये उस जगह पर जा करके टाइटली इसको फिट करके रखता है। तो कई एक बार 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 खोलने लगाने के चक्कर में क्या होता है ना, ये स्टॉपर अंदर की तरफ दब जाता है। तो स्टॉपर का हाइट जो है, जिसको कि यहाँ से यहाँ मेज़र करते हैं हम लोग वर्नियर से, तो ये जो स्टॉपर की जो हाइट होती है, ये स्टॉपर की हाइट मैनुअल में डिजिग्नेटेड है। अगर आपके पास वर्नियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी स्टॉपर की हाइट को आप ज़्यादा रख सकते हैं। इसको यहाँ से बेंड करके स्टॉपर को आप यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे बेंड कर लेना है प्लायर से, तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि स्टॉपर की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्टॉपर के हाइट के बाद हमारा आता है पेटल्स। जो असली प्रॉब्लम जो रीड वाल्व में क्रिएट होता है वो होता है पेटल्स। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आता है वो स्टॉपर की हाइट से आता है और सेकंड प्रॉब्लम जो आता है वो आता है हमारा पेटल्स से। अब मैं आपको ये पेटल खोल के दिखाता हूँ कि पेटल्स में कैसे प्रॉब्लम आते हैं। ये निकल गया हमारा स्टॉपर
और ये रहा हमारा पेट्रोल स्टॉप, और यही वो पैसेज है जिसके थ्रू इनटेक में सारा बियर फ्यूल मिक्सचर जाता है। तो जब हम बहुत ध्यान से इस पेडल को देखते हैं तो हम लोगों को ये नज़र आता है कि ये पेडल हल्का सा बेंड हो गया। तो ये बेंड पेडल जो होता है ना, जब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे गैप ज़्यादा रह जाता है। तो ये गैप ज़्यादा होने की वजह से अंदर तो जाता ही है, साथ साथ कॉम्प्रेशन लीकेज बाहर की तरफ भी होने लगता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में रीड वाल्व ख़राब हो जाते हैं, और हमें ये नहीं करना चाहिए कि इसको ऐसे करके बेंड करके इसको एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जब इसको ऐसे करके बेंड करके एडजस्ट करेंगे ना तो आपका फ्रंट का तो आप एरिया मिला लेंगे कि वो एडजस्ट हो चुका है, लेकिन इधर पे गैप रह जाता है, ये किनारे पे एज पे गैप रह जाता है, जो कि सही नहीं है। किनारे एज का जो गैप होता है ना, ये किनारे वाला गैप, ये वाला गैप बिल्कुल सही नहीं होता। इस गैप में आप देखेंगे कि यहाँ से लीकेज शुरू हो गया। तो इसीलिए जब भी पेटल्स ख़राब हो जाए या पेटल्स टेढ़ा हो जाए तो फिर आप इसको बेटर है कि रीड वाल्व को चेंज कर लें। अब आते हैं हम लोग सेकेंड बात पर, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस पेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जिसको कि मेज़र करना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई टूल्स नहीं है। तो इसको कैसे अंदाज है, एक अप्रॉक्सीमेट हम लोग लेके चलते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में कॉम्प्रेशन लीकेज हो रहा है या तो स्टार्टिंग ट्रबल्स हो रहा है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी, तो आप समझिए कि पेटल्स का स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, और ये लोग ये बहुत ईजिली फ्लक्चुएट कर रहा है, फटफट फटफट टाइप से ये ऐसे कर रहा है। तो ये आपको समझिए कि इसका टाइम आ चुका है, इसको आपको रिप्लेस करना होगा। बेसिकली 10-15,000 पे एक बार रीड वाल्व्स चेंज कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है। तो ये है बात रीड वाल्व के ख़राब होने की। तो रीड वाल्व में ये पेटल्स ख़राब हो जाता है, पेटल्स बेंड हो जाता है, पेटल्स में कई बार क्रैक्स आ जाते हैं या टूट जाता है, तो फिर ये पेटल्स ख़राब हो जाता है। अगर आपको पेटल सेपरेटरी मिल रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि पूरा रीड वाल्व को ही आप चेंज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। और रीड वाल्व अराउंड आपको 800-900 रुपीज़ में आता है ओरिजिनल वाला, तो आप उसको चेंज करके रिप्लेस करके रीड वाल्व लगा सकते हैं एंड योर बाइक विल रन गुड। तो बेसिकली रीड वाल्व में यही दो प्रॉब्लम्स आता है, एक स्टॉपर का प्रॉब्लम आता है और एक पेटल्स का प्रॉब्लम आता है, ये मेन प्रॉब्लम है। और दो कुछ छोटे प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जिनको कि आपको नोटिस करना ज़रूरी है। एक प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये सराउंडिंग का जो मटेरियल है ना, ये ख़राब हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। जैसे कि ये आप इसमें देख सकते हैं, ये कैसा चिप्ड हो गया है ना, तो ये उखड़ जाएगा, फिर ये बैठेगा नहीं सही से, तो यहाँ से ये फिर लीकेज शुरू हो जाएंगे। कहने का ये है कि रीड वाल्व का जो सराउंडिंग एरिया है और जो लॉकिंग एरिया है वो एकदम परफेक्टली बैठना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई लीकेजेस का। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है रीड वाल्व में, जब भी हम रीड वाल्व को रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो नया रीड वाल्व भी क्यों ना रहे तो भी आप उसमें ध्यान से देख लें कि कहीं कोई पैसेज से कुछ तरह का लीकेज तो नहीं है। तो ये हो गया बात कि रीड वाल्व में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीड वाल्व में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम पहचानते कैसे हैं, और रीड वाल्व की प्रॉब्लम को हम अगर किसी भी तरह का फिजिकल अपीयरेंस या साउंड में कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर हम उसको कैसे जानेंगे कि रीड वाल्व ख़राब है या सही है। तो ये इस चीज़ को हम पहले देखते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ दो रीड वाल्व रखा हुआ हूँ। तो ये जैसा कि आप इसको अपीयरेंस से ही देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है ये। और एक ये है हमारा कंपेरेटिवली रनिंग मोटरसाइकिल से है, तो ये काफ़ी हद तक बेटर है। ये मोटरसाइकिल रेस्टोरेशन के लिए, इंजन रेस्टोरेशन के लिए आई थी, और ये उसका रीड वाल्व है। ये रीड वाल्व काफ़ी अच्छे कंडीशन में है एंड इट इज़ क्वाइट रनिंग गुड ऑन द मोटरसाइकिल, स्टिल विल बी रिप्लेसिंग इट क्योंकि इंजन रीबिल्ड हो रहा है। और ये रहा एक ख़राब सा रीड वाल्व जो कि सदियों सदियों पुराना है, ये मेड इन जापान RX 100 का वॉर्न आउट कंडीशन का रीड वाल्व है, इसको कि हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से ख़राब है, ठीक है। तो एक होगा कि आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि रीड वाल्व ख़राब है। दूसरी पहचानने का तरीका ये है कि आप जब रीड वाल्व को यूज़ करते हैं, आपके गाड़ी में पिस्टन का, क्रैंक का या रिंग का किसी तरह का साउंड नहीं है, लेकिन तब भी आप देखिए कि आपके बढ़ने के साथ एक ऐसी आवाज़ आएगी, ये बहुत फास्ट फ्लक्चुएटिंग आवाज़ है जो कि पेटल से आती है, ऐसे ऐसे करके। ये अगर आप देखिएगा, ये इससे आती है, तब ये आवाज़ कैसे आती है ना, कि इससे भी आप समझिए कि आपका पेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुका है, और इट्स टाइम टू रिप्लेस द पेटल्स और गेट द रीड वाल्व्स कम्प्लीटली चेंज। ये आवाज़ अगर आपको आ रही है और आप पकड़ने में सक्षम हैं कि हाँ ये आवाज़ पेटल्स का ही है, तो पहचानने का एक स्पेशल डिस्टिंग्विश साउंड रहेगा, आपको पकड़ में नहीं आएगा वो कहाँ से आ रहा है, कि किधर से आ रहा है वो आवाज़। तो वो आवाज़ जब होता है पेटल्स का होता है, तो उस केस में आप रीड वाल्व से स्वैप करके देख सकते हैं और आपको पकड़ में आ जाएगा कि नया रीड वाल्व डालेंगे वो साउंड जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये एक सेकेंड सिम्टम्स है जो कि गाड़ी शो करेगी आपको, और आपको पता चल जाएगा कि आपका रीड वाल्व ख़राब हो चुका है। फिजिकल अपीयरेंस है, साउंड से है,
और इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जाएगा आपकी गाड़ी में कंप्रेशन लीकेज का। सब कुछ सही करने के बावजूद भी कंप्रेशन लीकेज, हॉट इंजन में भी गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम, कंप्रेशन कम होगा तो आपको किक करने में भी बहुत सॉफ्ट लगेगा। तो ये सारा कुछ एक आध सिम्टम्स हैं जिसको कि मल्टीपल एंगल से मल्टीपल वे से इसको डायग्नोस करने के बाद ही हम कंफर्म कर पाते हैं कि रीड वाल्व खराब है या फिर किक स्प्रिंग खराब है या फिर पिस्टन रिंग खराब है या फिर कुछ और खराब है। तो ये तीसरा जो है तरीका है जिससे कि आप पकड़ सकते हैं कि रीड वाल्व आपकी खराब है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट होने के बाद भी अगर कुछ नहीं ठीक हो रहा है देन यू शुड गो फॉर अ रीड वाल्व डायग्नोसिस। और रीड वाल्व को किसी भी हालत में रिपेयर करने की कोशिश ना करें क्योंकि वो कारगर नहीं होता है। कुछ लोग इसको होशियार बनकर इसको दबा देते हैं यहाँ से, कुछ लोग इसका हाइट एडजस्ट करने से आपको फ़ायदा होगा क्योंकि इसका हाइट आप कर सकते हैं एडजस्ट, इसके बारे में स्पेसिफाइड है। लेकिन इसको करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि ये बहुत प्रेसिजन का चीज़ है, पेटल एडजस्टमेंट बहुत प्रेसिजन का चीज़ है, वो ठोक बजा के काम नहीं होने वाला है, उसमें आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब नेक्स्ट थिंग जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपके पास रीड वाल्व है, आपकी गाड़ी में से किसी भी तरह की साउंड नहीं आ रही है, आपकी गाड़ी में किसी भी तरह का यू नो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि आप पकड़ ले कि रीड वाल्व भी ख़राब है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि रीड वाल्व का टाइम या टेनर पूरा हो गया है या नहीं हुआ है। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप रीड वाल्व को जब आप इसके थ्रू सनलाइट में देखेंगे, इस पैसेज के थ्रू, तो ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है, ये जो मैं खोल रहा हूँ ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो गैप है, ये गैप बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ही मिनिमम होता है। इसमें आप हार्डली या फिर बिल्कुल भी नहीं किसी तरह का लाइट को पास होते हुए देख सकते हैं, और जिसमें ख़राब होगा उसमें आप काफ़ी अमाउंट में लाइट्स को पार होते हुए देख सकते हैं। तो सनलाइट में आप इधर फेस करके आप इस होल से जब देखेंगे तो आपको यहाँ से लाइट दिखेगा। सो ये हो गया कि आप इसको देख करके चेक कर सकते हैं, और आप लाइट का जो पैसेज है इसके थ्रू आप इधर से जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लाइट पास हो रहा है इससे, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा पास हो रहा है उससे तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि आपका रीड वाल्व ख़राब हो चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसको अभी मैं लाइट में पास करके इन दोनों रीड वाल्व्स को, ये जो है ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है, ये मैं साइड रख रहा हूँ ये वाला, और ये जो है मेरे पास आर एक्स 100 का पुराना ख़राब रीड वाल्व है, एंड दिस इज़ क्वाइट गुड वन विच वन वाज रनिंग ऑन 135। तो एक बार मैं इस पर लाइट दिखाता हूँ आपको और एक बार मैं इस पर लाइट दिखाता हूँ, आप खुद ही देखिए डिफरेंस और कैसे आपको चेक करना होता है। सी ये 100 वाला रीड वाल्व है, ठीक है, जो कि ख़राब है, और इसमें मैं आपको लाइट, ये देखिए आप इसमें बहुत ज़्यादा लाइट देख सकते हैं ना, लाइट इसमें से आ रहा है ये एक साइड का, और मैं इसको पलट देता हूँ। अब देखिए इस साइड में कंपैरेटिवली कम आ रहा है ना, तो वो साइड में ज़्यादा आ रहा था और इस साइड में कंपैरेटिवली कम है। ऑलराइट, तो ये आर एक्स 100 वाला रीड वाल्व है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको बताया चल रहा था अभी काम इसका। ये देखिए आप इसमें नीचे वाले साइड में लाइट नहीं देख सकते हैं, है ना, और इसको जब मैं पलट देता हूँ तो भी आप इसमें लाइट को पास होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाते हैं जो ख़राब रीड वाल्व है और जो अपना सही रीड वाल्व है उसमें। आप समझ गए होंगे ये टेक्निक, आपको इस होल से देखना है और इसको ऐसे करके लाइट में पकड़ना है, और इसको आप जैसे ही आप देखिएगा इस होल से तो आपको इस पैसेज में लाइट आता हुआ देखिए, इसमें कितना लाइट है, है ना। तो ये देखिए होना चाहिए एक्चुअली कैसा, ये ऐसा बंद होना चाहिए, है ना, यदि मैं उधर से फिंगर से दबा रहा हूँ तो ये ऐसे बंद होना चाहिए, लेकिन ये खुला हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, और जो गैसेस लीक करने का वो भी वापस आ जा रहा है। दिस रीड वाल्व इज़ फॉल्टी, इसमें आपको कंप्रेशन लीकेज, स्टार्टिंग प्रॉब्लम और खड़खड़ खड़खड़ लगने, बहुत सारा झमेला इसमें आ सकता है। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू टेक केयर एंड यू नीड टू वॉच वेल केयर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, और आपको खुद से चेक करना होगा अगर आप कर सकते हैं तो। सो अब तक मुझे जो अपने ऑब्जर्वेशन से समझ में आया है वो ये बातें हैं, और रीड वाल्व्स ख़राब होने का बेसिकली यही चली जगह है, ये पेटल्स ख़राब हो जाने से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो यही है, ये वाला पेटल्स है। ये पेटल्स अगर आपका ख़राब है या किसी भी तरह का इसमें बेंड है या प्रॉब्लम है तो आपके गाड़ी में रीड वाल्व का इशू है, और आपको वो रीड वाल्व चेंज करने की आवश्यकता है। ऑलराइट, तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे, और जैसा आप देखिए कि रीड वाल्व का एक टाइम हो जाता है, टाइम होने के बाद वो ख़राब होता है, एंड यू नीड टू गेट इट रिप्लेस्ड, इट्स गुड टू रिप्लेस इट ताकि आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो ये बात था कि रीड वाल्व ख़राब कैसे होता है, रीड वाल्व कैसे पता चलता है ख़राब हो गया है, और रीड वाल्व को चेक कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी गाड़ी की रीड वाल्व में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको रेक्टिफाई कर लें, और उनको डायग्नोस करने के बाद अपनी रीड वाल्व को चेंज कर लें ताकि आपको बेटर इन परफॉर्मेंस मिल सके, एंड
आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल और आप लोगों के काम आएगा. थैंक यू ऑल फॉर मेकिंग योर रिक्वेस्ट एंड यू नो फॉर यू नो आस्किंग मी लाइक ब्रिंग मी मोर ऑफ दोज वीडियोज़ या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इससे मुझे भी पता चलता है कि वट ऑल थिंग्स आई नीड टू कवर मोर. एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर सपोर्ट. स्टे ट्यून्ड टू द चैनल. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में. टेक केयर. बाय. जय हिंद.